गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स फर्स्ट में जो यूनिट फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे थे उसमें जो लास्ट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आइंस्टीन का एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको सब जानते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एंड दैट इज कॉल्ड मास एनर्जी रिलेशन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या संबंध है, इसको आइंस्टीन पे बहुत बड़ी ख्याति मिली थी आइंस्टीन को, क्या चीज़ है। देखिए, आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा दोनों एक ही भौतिक राशि के अलग अलग रूप है। ये द्रव्यमान के रूप में भी हो सकता है और ऊर्जा के रूप में भी हो सकता है। ये यूं कहें कि द्रव्यमान भी ऊर्जा का एक दूसरा रूप है। इसको सिद्ध करने के लिए जो रिलेशन दिया उन्होंने वो था इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसको कैसे डिराइव करते हैं, क्या तरीका है इसको निकालने का, तो आइंस्टीन के प्रथम अभिग्रह जो लिखा था इन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, उसके अनुसार जितने भी भौतिक के नियम हैं सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में इनवेरेंट रहते हैं, समरूप रहते हैं, समान रूप से रहते हैं। उसी के अनुसार न्यूटन का सेकेंड लॉ अब एक कार्य ऊर्जा परमेय दोनों ही जड़त्व निर्देश तंत्रों में समरूप होंगे। कौन से होते हैं, क्या है कार्य ऊर्जा परमेय, हम सब जानते हैं, क्लास 11 से पढ़ा हुआ है आपने कि जब हम किसी वस्तु पे कार्य करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और ये जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि है ये किए गए कार्य के बराबर होती है। सो यदि हम गतिज ऊर्जा को ई के पर काइनेटिक एनर्जी से रिप्रेजेंट करें तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है डी ई के, किसके बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर, डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू होता है एफ इंटू डी एक्स, बल गुणा विस्थापन। परंतु बल न्यूटन के दूसरे नियम से हम सब जानते हैं एफ इक्वल टू डी पी वाई डी टी होता है, पी संवेग, या पी की जगह हम एम वी लिख सकते हैं। सो एफ इक्वल टू डी वाई डी टी ऑफ द एम वी। सो एनर्जी वर्क प्रिंसिपल से हम लिख सकते हैं डी ई के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डी वाई डी टी ऑफ द एम वी मल्टीप्लाइड बाय द डी एक्स। इक्वेशन एक और दो से हमने निकाल दिया। डी एक्स बाई डी टी को हम यदि सेपरेट करते हैं तो ये वेलोसिटी हो जाती है, और दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ द एम इन टू वी। क्योंकि हमने ये कैलकुलेट कर लिया है कि द्रव्यमान वेग के साथ परिवर्तित होता है, पिछले टर्न पे हमने किया था एम इक्वल टू एम जीरो डिवाइडेड बाई रूट ऑफ वन माइनस सी वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसका मतलब हुआ द्रव्यमान भी बदलता है। तो यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी एम वी को, तो जो प्राप्त होता है हमें वो होता है डी ई के इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय द एम डी वी प्लस वी डी एम। रीअरेंज करें तो इक्वेशन मिलती है डी ई के इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। परंतु एक गतिशील कण के लिए हम सब जानते हैं एम इक्वल टू होता है एम जीरो डिवाइड बाय रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, जहाँ पे एम जीरो रिप्रेजेंट करता है विराम द्रव्यमान को, रेस्ट मास को। रीअरेंज किया जाए इसको, एम जीरो स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या एम स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर वी स्क्वायर। क्योंकि इक्वेशन थर्ड में अपने देखा है कि एम का भी डिफरेंशियल और वी का डिफरेंशियल है, तो इक्वेशन फोर को भी हम दोनों से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो जो मिलता है वो मिलता है ट्वाइस एम सी स्क्वायर डी एम इक्वल टू जीरो, किसका डिफरेंशियल एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर का, दोनों कांस्टेंट है इसलिए। फिर हम एम स्क्वायर वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है ट्वाइस एम वी स्क्वायर डी एम प्लस ट्वाइस एम स्क्वायर वी डी एम, दोनों और ट्वाइस एम से डिवाइड कर दिया जाए तो जो इक्वेशन मिलती है वो सी स्क्वायर डी एम इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम प्राप्त होता है। और इसकी देखें इक्वेशन फिफ्थ की राइट हैंड साइड इक्वेशन थर्ड की राइट हैंड साइड के बराबर है, दोनों को इक्वलेट कर दें तो जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है हमें ओके। देन वी के ऑब्टेन दैट डी ई के इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम, माना कि कण का वेग जीरो से वी तक बढ़ता है तब द्रव्यमान एम जीरो से एम तक परिवर्तित होता है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि जो आएगी वो आएगी जीरो से ई के तक। सो इंटीग्रेट करते हैं जीरो से ई के तक एनर्जी को और एम को एम जीरो से एम तक, सो
सो इक्वेशन सिक्स प्राप्त होती है ई के माइनस जीरो इक्वल टू सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द एम माइनस एम जीरो। परंतु किसी कण की कुल ऊर्जा जो होती है वो विराम ऊर्जा व गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। सो ई इक्वल लिख सकते हैं अपन एम जीरो सी स्क्वायर प्लस ई के एम जीरो सी स्क्वायर, यहाँ पर विराम ऊर्जा कहलाती है। सो वी कैन राइट द टोटल एनर्जी ई इक्वल टू एम जीरो सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी को सब्सटीट्यूट कर दें एम जीरो सी स्क्वायर माइनस में प्लस एम सी स्क्वायर। सो जो आइंस्टीन का रिलेशन आ जाता है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द फिजिक्स दैट ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर मास एनर्जी दोनों रिलेटेड होते हैं। विशेष स्थिति देखें, यदि कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम हो, वी इज वेरी वेस्ट लेस देन सी, इन दैट केस वी से ई के इक्वल टू सी स्क्वायर एम माइनस एम जीरो, और एम को यदि सब्सटीट्यूट कर दिया जाए इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मूले से तो मिलता है सी स्क्वायर एम जीरो मल्टीप्लाइड बाई द वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर वन माइनस टू माइनस वन। बाइनोमियल थ्योरम से यदि एक्सपेंड करते हैं अपन तो वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन फैक्टोरियल टू बाई द एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला लिखते हैं अपन मल्टीप्लाई बाई द एक्स स्क्वायर, तो उससे जो रिलेशन आता है एम जीरो सी स्क्वायर वन मल्टीप्लाइड बाई द वन प्लस वन बाई टू वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वन। सो द फाइनली रिलेशंस ई के इक्वल टू वन बाई टू एम जीरो वी स्क्वायर, जो अधिकतर अपन हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे एम को हम रेस्ट मास से डिफाइन करते हैं। नाउ देयर इज द टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव गिवन न्यूमेरिकल्स। पहला कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द इट्स रेस्ट मास एनर्जी। यदि किसी कण का वेग ज्ञात कीजिए यदि उसका विराम ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों बराबर है। जो गतिज ऊर्जा हमने लिखी ई के इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम जीरो सी स्क्वायर और विराम ऊर्जा है एम जीरो सी स्क्वायर, दोनों बराबर है, इक्वेशन बराबर कर दिया हमने, तो रिजल्ट मिलता है वो आता है एम इक्वल टू ट्वाइस एम जीरो। बट वी नो दैट एम इक्वल टू एम जीरो डिवाइड बाय रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। रीअरेंज किया जाए इसको तो जो वी मिलता है हमें वो मिलता है रूट थ्री बाई टू इंटू सी। मीन्स दिस इज द वैल्यू विच इज ऑप्टेन व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एम जीरो विराम द्रव्यमान का कण सी बाय रूट टू चाल से गतिशील है तो संवेग गति ऊर्जा और कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हम सब जानते हैं संवेग बराबर पी इक्वल टू एम वी लिखते हैं, एम की जगह लिखते हैं एम जीरो डिवाइड बाई रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और वी तो ही है। सो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए सी की जगह वी की जगह सी बाय रूट टू, तो जो रिजल्ट मिलता है रीअरेंज करने के बाद कि उस कैलकुलेशन करने के बाद में पी इक्वल टू एम जीरो सी। एंड काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल टू एम माइनस एम जीरो सी स्क्वायर, एम की जगह सब्स्टिट्यूट किया हमने एम जीरो डिवाइड बाई रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम जीरो मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर। सो जो रिजल्ट आता है वो आता है 0.414 एम जीरो सी स्क्वायर। एंड द लास्ट काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के जोड़ के बराबर करते हैं, विराम एनर्जी के साथ में जोड़ते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी को, तो टोटल एनर्जी आ जाती है। सो ई इक्वल टू एम जीरो सी स्क्वायर प्लस ई के एम जीरो सी स्क्वायर प्लस 0.414 एम जीरो सी स्क्वायर एंड दिस गिव्स 1.414 एम जीरो सी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू रूट टू ऑफ द एम जीरो सी स्क्वायर। सो दिस आर द वैल्यूज एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस और द एप्लीकेशंस फॉर द डिफरेंट रिलेशंस। थैंक्स।